हूँ अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी विकेश। भाई एक तरफ राखी का त्यौहार है और दूसरी तरफ इसकी खास पेशकश लेकर के हम आपके लिए तैयार हैं। फिलहाल राजगुरु मार्केट पहुंची हूँ रक्षाबंधन के मौके पर। आज शनिवार का दिन है और कल एतवार और फिर परसों राखी, तो बहनें जो हैं बाजारों में घूम रही हैं। फिलहाल अपने अपने भाइयों के लिए, प्यारे प्यारे भाइयों के लिए प्यारी प्यारी राखियाँ लेने के लिए मार्केट में पहुँच रही है। कैसा है मार्केट के अंदर रश, क्या नए डिजाइन है, क्या कुछ नया है, चलिए आपके सामने पेश करते हैं राजगुरु मार्केट का ये छोटा सा दौरा। भैया क्या खास चल रहा है इस बार? मैडम वैसे तो कुछ खास नहीं चल रहा है, कोरोना का टाइम है जी, हर दुकानदार मास्क बहुत समय के ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि चलो भीड़ तो अक्सर नहीं आती है, राखियाँ पहले के मुकाबले कितनी कम या ज़्यादा बिक रही है? 50% का फर्क है। और अगर बात करें ट्रेंड की, तो आपने सबसे ज़्यादा ट्रेंड में किस चीज़ में बदलाव आया? बदलाव मैडम ये है कि अब समय के अनुसार इंसान में मतलब ये सोच होगी कि जो मिल रहा है अब उसी से काम चला रहा है। जो पहले ट्रेंड में क्या होता था, लेटेस्ट से लेटेस्ट आइटम फैशन मांगता था, अब वो तो मांग नहीं रहा जी, क्योंकि उनको पता है कि चाइना हमने लेना नहीं है जी। ठीक है, अब जो उनका ट्रेंड में आई है वो इंडियन आइटम आ रही है। अच्छा, इंडियन आइटम में हमारी सबसे पहले शुद्ध आइटम होती है चंदन की, चंदन आइटम बिक रही है जी। उसके बाद आती है हमारी स्टोन की आइटम और जरी की आइटम। तो थोड़े से साथ साथ बताने के साथ साथ दिखा दी, निकाल के दिखा दीजिए। ये हमारी इंडियन आइटम तैयार हुई है इस बार। अच्छा ये इंडियन आइटम्स हैं, ये देखिए ये सब इंडियन है जी। और हम कई लोग चाइनीज के पीछे पड़े रहते थे, नहीं चाइना के वो भूल चुके हैं जी सब, चाइना को अलविदा कर दिया जी सब। सही, अच्छा आप लोग बेच रहे हैं या पता नहीं, बट क्या पब्लिक मांग रही है चाइनीज आप? नहीं मैडम, चाइना सब मना कर रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि हमें चाइनीज आइटम चाहिए, 1% लोग भी नहीं मांग रहे। ठीक है, और अगर आप किसी को देते हो बताते हो कि ये चाइनीज आइटम है तो कस्टमर नहीं लेगा? नहीं लेगा। चलिए बहुत मतलब अच्छी पहल इस बार शुरू हुई है, अच्छी चीज लोगों ने ली है। चलिए और आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं। थैंक यू भैया। मोटू पतलू की जोड़ी में से पतलू दिख रहे हैं, छोटा भी दिख रहा है और भी छोटी छोटी चीजें। भैया क्या लेके आए सबके बाहर, मतलब रक्षाबंधन पर क्या नया लेके आए? ये तो सब इंडियन आइटम है, आगरा सब इंडियन आइटम है। ठीक है, और ट्रेंड की अगर बात करें, ट्रेंड्स में पिछली बार से हट के आपकी बार कुछ क्या नया है? रुद्राक्ष के धागे चल रहे हैं। आपकी बार रुद्राक्ष के धागे चल रहे हैं, कौन से रुद्राक्ष के धागे पर खाएंगे? अच्छा इस तरीके की आइटम सबकी बाहर चल रही है। ठीक है, अच्छा मैंने ये चीज़ भी मतलब यू तो हर बार ही होती है, ये आइटम्स भी अपनी बात खूब चल रही हैं, छोटा भाई के नाम से राखी है या हैशटैग प्रो है, इस तरीके का राखियाँ लोग कितनी खरीद रही हैं? माय ब्रदर सुपर हीरो जी, बिल्कुल। ये देखिए नए नए ट्रेंड्स राखियों के बारे में, लोग अच्छी अच्छी राखियाँ खरीद रहे हैं। चलिए और आगे आपको लेकर के चल रही है। चलिए दुकानदारों से बात करवा दी, अब इन प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनाओं से भी बात करा देते हैं, क्या लेने के लिए शॉपिंग करने के लिए मेन राखी? लेकिन राखी तो केवल राखी तक नहीं रखती है, ड्रेसेस भी चाहिए, फिर कुछ और गिफ्ट भी चाहिए, तो टोटल सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? सबसे भी चाहिए होता है रक्षाबंधन एक बार, राखियों में क्या कुछ नया देखने को मिला है आपके? आजकल एक ये चीज़ ट्रेंड चला हुआ है, मेरा मेरा या ये ऐसे मिक्स हुई जो राखियाँ आ रही हैं बहुत ज़्यादा पसंद है, ये सिंपल धागे वाली, सिंपल धागे वाली। और आपकी क्या चॉइस है? सिंपल धागे वाली, सिंपल धागे वाली ज़्यादा पसंद है। ठीक है, और राखियों के बाद अगर दूसरा नंबर हम गिने तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का आता है? मेहंदी का। अच्छा मतलब ड्रेसेस जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये देखिए
लड़कियां हैं जो कि राखी लेने के लिए पहुंची हैं अपने भाइयों को, और साथ साथ बता रही हूँ कि मेहंदी का क्रेज है। खैर मेहंदी का टिकट इन्होंने किया, तो चलिए मेहंदी वालों के पास भी आपको रिकमेंड करती हूँ और दिखा दूँ यूँ तो सर देखिए पहाड़ों पर उनके पास समय नहीं होता बात करने का, इसी एक ही हैं सारे मेहंदी वाले, पर अब की बार देखते हैं कि क्या खास ये कर रहे हैं। मेहंदी वाले भैया के पास फिलहाल खड़े हैं, यहाँ दो बहनें राखी लगवा मेहंदी लगवा रही हैं। सॉरी, अच्छा मुझे ये बताइए कि अब की बार मेहंदी में क्या नए डिज़ाइन चल रहे हैं, क्या नई डिमांड आ रही है? डिमांड क्या आ रही है, सब मेहंदी है। फिर भी रक्षाबंधन के लिए लड़कियाँ जो है मेहंदी लगवा रही हैं, तो कुछ स्पेशल डिज़ाइन या कुछ नाम अपने भाई का लाइक ठीक है ठीक है। फिलहाल आपके रेट मार्केट में क्या चल रहा है? नहीं है तो फिर भी कुछ रेट तो होगा ना, पहले से कम है। अच्छा एक हफ्ते अगर किसी को मेहंदी लगवानी है डिज़ाइनर भाई बहन वाली और यू नो जो उसमें फोटोज टाइप का कुछ होता है वैसा वैसा लगवाना है तो क्या आप लोगों का प्राइस रहेगा? ठीक है। और रक्षाबंधन की अगर बात करें पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना काम में फर्क पड़ा है? काफी फर्क पड़ा है जी। मेहंदी वाले भैया से आपकी बात करवा दी, उसके बाद और भी आगे आपको लेकर के चलो। मेहंदी वाले के रेट्स पूछवा दिए, वहाँ क्या स्पेशल चल रहा है वो पूछवा दिया, उसके बाद किंग्स जुट्टी पे आपको लेकर के पहुँची हूँ। एक दो बार पहले भी आई हूँ, एक बार फिर से आ रही हूँ। गगन जी बार बार परेशान तो नहीं कर रहे आप? नहीं नहीं बिल्कुल मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आए मैडम जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि रक्षाबंधन पर जूतियों के मामले में या शूज़ के मामले में क्या खास चल रहा है, क्या नया चल रहा है? इस टाइम पे मैचिंग जूती चैनल स्पेशल चल रही है, नंबर वन पे चल रही है, बहुत जबरदस्त सेल भी बहुत ज़्यादा है ठीक है। और हर लेडीज जो भी आ रही है स्पेशल आ रही है जूतियाँ ले रही है, मैचिंग कर रही है ठीक है। अच्छा मैं पूरी मार्केट का दौरा करके आई हूँ, हर दुकानदार रो रहा है, हर कोई रो रहा है कि काम नहीं है काम नहीं है। मुझे पहले ऐसे बंदे आप मिले हो जो बोल रहे हो कि जबरदस्त सेल हो रही है। जबरदस्त सेल है मैडम, मजा आ गया मैडम, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी जूतियाँ भी बिकती है, बहुत अच्छा काम है। ये देखिए पूरी मार्केट का जो दौरा है एक तरफ, और इधर यहाँ पर गगन जी के पास पहुँच के एक तरफ। अच्छा कुछ अच्छी अच्छी सी जूतियों का डिज़ाइन एक दो बार दिखा दो। तो ये चल रही है स्पेशल जूतियाँ जैसे मैचिंग करते हैं ड्रेस के अंदर ठीक है, तो मल्टी कलर की ये जूतियाँ हैं, ये हैंडमेड है पूरा जी बिल्कुल हैंडमेड जूतियाँ और वो भी मल्टी कलर के साथ साथ। ये देखिए और कलर देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं, जो कलर्स कहेंगे सब कलर्स अवेलेबल हैं इस टाइप पे जी। सबसे यूनिक कलर जैसे कि आप, अरे वाह मतलब बिल्कुल डिफरेंट कलर्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप इस टाइम मार्केट में बिल्कुल क्रेज है जूती का। ये देखिए एक से चढ़कर एक से वैरायटीज, और इसके बाद हमने किड्स पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस है क्योंकि रक्षाबंधन आया है तो बच्चे भी अपने अपने जैसे मैचिंग करते हैं ड्रेस पे, अपने में शूज है स्पेशल लेडीज शूज है बच्चों के अच्छे अच्छे, किड्स की बहुत अच्छी वैरायटीज है। अच्छा टोटल ओवरऑल अगर पूछे कि मतलब जो आजकल जुत्ती है जो लाइक इंडियन में आती है या फिर जो वेस्टर्न शूज है दोनों में कंपैरेटिवली किस चीज़ की सेल ज़्यादा है? इस टाइम पे नंबर वन तो जूती बिक रही है मैम, रक्षाबंधन पे जूती बिकती है, बाकी और टाइम पे तो रेगुलर चलती है जैसे हवाई चप्पल चलती है सब आइटम चलती है, अपने पे जैसे फैंसी की बहुत अच्छी वैरायटीज है ठीक है। अब जैसे चाइना तो हमने बिल्कुल बंद कर दिया, चाइना तो बेच नहीं रहे, पर हम इंडिया मेक में ही बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज हमने बनाई है। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं ये बात मैंने मार्केट में भी पूछी थी खासतौर से राखी वालों से, आई थोड़ा सा जरा देखिए राखी वालों से कि क्या लोग इंडियन मांग रहे हैं, चाइनीज मांग रहे हैं सॉरी, क्या चाइनीज मांग रहे हैं, क्या आपकी शॉप पर ऐसा है क्या लोग आकर के चाइनीज शूज मांग रहे हैं सस्ते के चक्कर में? नहीं बिल्कुल भी नहीं मांग रहे, अब तो लोग कहते हैं इंडियन मेड ही पहनेंगे, हम चाइनीज चाहिए ही नहीं, बिल्कुल भी डिमांड नहीं है, 1% भी डिमांड नहीं है, कोई भी आगे चाइनीज माल मांगते ही नहीं, इसी कारण से जूती की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। चलिए बहुत अच्छी बात है, और हमारे जो है देश के लोगों को इतना ही जागरूक होना चाहिए, जरूरी है हमारी अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए। तो ओवरऑल पूरी राजगुरु मार्केट का मैंने दौरा, पूरी का तो नहीं आधी का दौरा मैंने करवा दिया है, दिखाया है आपको कि कितनी भीड़ है, क्या कुछ खास फिलहाल डिमांड है। एक बार पीछे कैमरामैन को बोलूंगी कि एक बार नज़र घुमाएं और दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से, ये देखिए ये हिसार की राजगुरु मार्केट है, वो भी त्यौहार से ठीक दो दिन पहले, जो इस तरीके से सुनसान पड़ी हुई है, ये वही राजगुरु मार्केट है जहाँ पर
पांव तक रखने के कदम रखने की जगह नहीं होती है और आज ये केवल और केवल साधनों से भरी हुई है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक जो है देखने को नहीं मिल रही है। खैर, ये था हमारा हिसार राजगुरु मार्केट का दौरा। आगे भी इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। जिसे देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़।